कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार लेके आई हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अलंकार के अंतर्गत अलंकार की परिभाषा, उसके अलग अलग पार्ट्स बताए थे। अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको शब्दालंकार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। आज जो है मैं वो अर्थालंकार टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए, आइए हम आज अर्थालंकार विषय की चर्चा करते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में शब्दालंकार के बारे में बताया था, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम अर्थालंकार की चर्चा कर रहे हैं। तो अर्थालंकार की परिभाषा देखते हैं कि अर्थालंकार होता क्या है। अर्थालंकार जब किसी काव्य का सौंदर्य, तो चलिए आइए हम आज अर्थालंकार की चर्चा करते हैं। तो जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब वहाँ अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार क्या था? जहाँ पे शब्दों पे जोर डाल रहे थे, और अर्थालंकार जहाँ अर्थ पे हम जोर डाल रहे हैं कि अर्थालंकार अर्थ के अंतर्गत आता है। अब अर्थालंकार के भी अलग अलग भेद है, जैसा कि हमने शब्दालंकार में भी पढ़ा था। उसके भेद क्या थे? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ऐसे ही अर्थालंकार के भी अलग अलग भेद हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब सबसे पहले हम उपमा अलंकार की चर्चा करते हैं। उप का अर्थ होता है समीप से, और मा का अर्थ होता है तोलना या देखना। तो जिस चीज़ को हम पास से तोलते हैं या देखते हैं, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में हमें समानता दिखाई दे, तो वहाँ जो होता है वो उपमा अलंकार होता है। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए, तो वहाँ जो होता है वो उपमा अलंकार होता है। अब कर कमल सा कोमल है। तो कर का मीनिंग होता है हाथ, और कमल सा यानी कमल का जो फूल होता है उसके समान कोमल है। तो हाथ की तुलना जो है वो कमल से की गई है। तो यहाँ पे जो है उपमा अलंकार आएगा। तो जहाँ पे किसी की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरस मन डोला। तो यहाँ जो है वो मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। पीपर पात सरस मन डोला। तो मन डोला कैसे? पीपल के पत्ते के समान। यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगला उदाहरण हम लेते हैं। अच्छा, उपमा के भी जो है वो अलग अलग अंग हमें मिलते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ये जो होता है वो उपमा के अंग होते हैं, जिससे हमें उपमा अलंकार को समझने में आसानी होती है कि उपमा अलंकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब उदाहरण हो गया, जैसे कि उपमेय का हम क्या उदाहरण ले सकते हैं? जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से की जाए, दिखलाई जाए, वह उपमेय होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन जो है वो उपमेय है, क्योंकि मन की हमें
मन से तुलना की गई है ना, तो यहाँ पे मन जो है वो उपमेय है। अगला है उपमान। उपमान को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण जो हमने लिया है, पीपर पात सरिस मंडोला, तो उपमेय क्या था, किससे तुल किसकी तुलना की जा रही है, और उपमान क्या हो गया, किससे तुलना की जा रही है। तो वहाँ पे मन की तुलना की जा रही है, और किससे की जा रही है, तो पीपल के पत्ते से की जा रही है, पीपल पात। तो वो जो है वो सरिस जो है, सरिस मंडोला, कैसे, सरिस मंडोला, तो सरिस जो हो गया वो उपमान हो गया। अब हम समान धर्म पहले देखते हैं। उपमेय उपमान की यह विशेषता में एक समान है। उपरोक्त उदाहरण में डोलना समान धर्म है कि क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पे डोल रहा है, तो यहाँ पे समान धर्म है, एक समान दोनों डोलते हैं, तो उनका काम क्या है, डोलना, तो ये समान धर्म, समान समानता हो गई। अगला हो गया है इसका लास्ट वाचक शब्द, जो वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करते हैं। यहाँ पे जो है वो सरिस, सरिस वाचक शब्द है, सा सम सी सरिस इव समान समाना आदि कुछ अन्य वाचक शब्द है, जहाँ पे शब्दों में हमें सा सी से सरिस आदि शब्दों का प्रयोग मिले, वहाँ पे जो है वो वाचक शब्द होगा, और वो क्या होगा, उपमा अलंकार। जहाँ पे हमें किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में हम अगर उपमा अलंकार पहचानना हो, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि शब्द में सा सी से सरिस ये वर्ड यूज होता है, तो वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार। तो अब उदाहरण देखते हैं हम इसके, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, तो यहाँ पे सम, सम जो है वो वाचक शब्द है, तो हम इससे भी उपमा अलंकार पहचान सकते हैं। तो मुख जो है यानी चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान मनोहर है, तो तुलना किससे गई है, चंद्रमा से, तो यहाँ उपमेय क्या हो गई, मुख, किसकी तुलना की जा रही है, मुख की, उपमान किससे की जा रही है, मयंक यानी चंद्रमा से, मंजु मनोहर समान धर्म, दोनों कैसे हैं, मनोहर, मंजु मनोहर, और वाचक शब्द क्या हो गया, सम। अगला उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। अब यहाँ पे सी, फूल सी, तो हम वाचक शब्द जो हो गया वो हमारा हो गया सी, तो अब इससे भी वर्ड को हमने पहचान लिया। अब किसकी तुलना की जा रही है, बच्ची, तो वो हो गया उपमेय। उपमान क्या हो गया, किससे की जा रही है, फूल से, और साधारण धर्म कैसी है, दोनों में क्या समानता है, कोमल, और वाचक शब्द हमारा पहले बता चुकी हूँ सी। अगला उदाहरण लेते हैं, तब वो तो बहता समय सिला सा जम जाएगा। उपमेय क्या हो गया, समय, क्योंकि यहाँ समय के बारे में कह रहे हैं। उपमान किसकी तरह, शिला यानी पहाड़, पत्थर। साधारण धर्म कैसा हो जाएगा, जम जाएगा, ठहर जाएगा, और वाचक शब्द सा। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, बंदव कोमल कमल से जग जननी के पांव, तो यहाँ पे उपमेय क्या हो गया, जग जननी के पैर। उपमान किससे तुलना की जा रही है, कमल से, और साधारण धर्म जो है वो क्या है, कोमल होना, कोमल, और वाचक शब्द से। अगला अब हम रूपक अलंकार की चर्चा करते हैं। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप लगा दिया जाए, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे रूपक, रूपक रूप, तो आरोपण, रोपण किया जाए, आरोपित हो जाए। तो नाम याद रखने का ये भी एक ट्रिक है कि रूपक में क्या होगा, जहाँ पे आरोप लगाया जाए।
तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती, इसको हम अलग नहीं कर सकते। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो इस उदाहरण में चंद्रमा और खिलौने में समानता नहीं दिखाया गया, बल्कि चांद को ही खिलौना बता दिया गया है। उस पर चांद होने का, खिलौने को जो है वो चांद का, चांद पर जो है वो खिलौने का आरोप लगा दिया है, उसमें भिन्नता नहीं दिखाई गई है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर जो है वो चरणों को कमल ही बता दिया गया है, उसको मतलब एक समान नहीं बताया गया है कि चरण जो है वो कमल के समान है, चरण को ही कमल बता दिया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। हरि के चरणों में उपमेय और कमल पर उपमान का आरोप है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण कुछ देख ले हम, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप। तो यहाँ पर नदी नियति के जो है वो नटी होने का आरोप लगाया गया, यानी जो नियति यानी प्रकृति है हमारी उस पे नटी होने का आरोप लगाया जा रहा है। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़काकर प्रतिक्षण में। तो यहाँ पर जो है सिंधु पर विहंग का और तरंग पर पंख का आरोप लगाया जा रहा है। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो यहाँ पर अंबर पर पनघट का और तारा पर घट का आरोप लगाया जा रहा है। अब अगला अलंकार हम लेते हैं, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना आ जाए या संदेह का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहाँ पर उपमेय में संभावना की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यदि पंक्ति में, इसका एक और तरीका भी है कि ये उदाहरण हम कैसे पहचानेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो जिन शब्दों में हमें मनु जनु मेरे मेरे जानते मन हूँ मानो निश्चय एव आदि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पे जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी हमें बाकी कुछ रखने की याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ ये देख लो कि जिन शब्दों में मनु मानो जनु जानो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके उदाहरण हम देख लें कि मुख मानो चंद्रमा है, तो मुख को जो है वो चंद्रमा होने की संभावना बताई गई है, तो यह जो है वो मानो, यहाँ पे मानने की बात किया जो संभावना ही है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण, कहती हुई यूं उत्तरा के नैन जल से भर आए हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर उत्तरा के जल यानी कि आंसू भरे नैनों में उपमेय में हिम कणों की परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। तो यहाँ पर जो है वो मनहु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और राम रूप के राम जी के सौंदर्य पे जो है वो निधि होने की संभावना बताई जा रही है। अगला उदाहरण है, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ी जनु बटु समझाई। तो मेढकों की आवाज़ में ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की जा रही है, तो ऐसा असल में तो हो नहीं सकता कि जो मेढक लोग हैं वो मेढक होते हैं वो वेद पढ़ सकते, तो ये एक संभावना ही हो सकती है।
अब इससे अगला हम एक अन्य अलंकार पढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति, जैसे कि जब किसी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं तो वहाँ पे जो होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी भी बात का वर्णन यदि खूब बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के गुण आदि को हम खूब, या उसके सौंदर्य को खूब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तो वहाँ पे मतलब उसको या तो हमें उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि ये सच हो सकता है, लेकिन उसको खूब बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है कि जो घोड़ा है उसकी इतनी ज़्यादा शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन हमें इतना बढ़ा चढ़ा कर किया गया है कि जब तक राजा इधर था, सोच ही रहा था, तब तक घोड़ा उस पार पहुँच गया। तो यहाँ पे शब्द को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। हनुमान, ये दूसरा उदाहरण है। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंच जाई। कि राम जी ने पतंग उड़ाया तो ये तो वर्णन ठीक है, पतंग जो है वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग लोक में, देवलोक में। तो ये जो है उस पे यकीन करना कठिन है कि एक पतंग उड़ी और वो जाके कहाँ पहुंची? तो देवलोक में। तो ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, तो इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, क्योंकि इस पे विश्वास करना कठिन है कि इतना ऊंचा भी उड़ सकता है। अब एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत नगरी जो है उसकी वो बहुत ही समृद्ध थी, और वो जो कहाँ मिलने जा रही है, वो स्वर्ग के समान उसको बताया जा रहा है कि स्वर्ग से समृद्धि से की गई है, कि स्वर्ग के समान ही वहाँ समृद्धि है। तो यहाँ पर भी यकीन करना कठिन हो जाता है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, वो है, ये तो कितनी बारी आता है और मोस्टली हम यही लिखते हैं, उदाहरण है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी और पूरी की पूरी लंका जल गई। तो ये जो चीज़ है वो विश्वसनीय नहीं है कि अभी आग लगी भी नहीं और पूरी की पूरी लंका जल गई। तो यहाँ जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अब है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पे सुदामा की जो दरिद्र अवस्था देख के कृष्ण का रोना और उसके आँख में जो है वो आंसू आ जाना, उसका वर्णन है कि पैर धोते धोते उनके जब वो सुदामा जी का पैर धो रहे थे, उनकी आँखों में आंसू आ गए। तो अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पे वर्णन है। अब अगला अलंकार जो है वो है मानवीकरण अलंकार। इसमें हम बहुत सारे अलंकार पढ़ते हैं, जो हमारा शब्द अर्थ अलंकार होता है उसमें बहुत सारे अलंकार होते हैं। मानवीकरण अलंकार, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसे मानवीकरण यानी मानव होने का इसमें अर्थ बताया जा रहा है। जब प्राकृतिक की चीज़ों पर मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे कि नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि पर, पंक्षियों पर, इन सब पर जब मानवीय क्रियाकलाप होने का आरोप लगाया जाए कि ये मानव के समान कार्य करते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। अब इसके उदाहरण हम कुछ देख लें।
फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो अब फूल हंस भी रहे हैं और कलियां जो है वो मुस्का रही है, तो यह काम जो है वो मानव ही कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं कि हंस भी सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं, ये प्राकृतिक चीज़ों में पॉसिबल नहीं है। अब अन्य उदाहरण हम देखें, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, कि ताल इतना खुश हो गया कि मेहमान के आने से ताल इतना खुश हो गया कि तालाब खुश हो गया कि वे पानी भर कर लाने का काम भी कर रहा है। तो जब भी हम देखते हैं कि तालाब खुद तो कभी पानी भर के लाता नहीं है, तो यहाँ पे एक वर्णन किया गया है, तो ये तालाब को जो है वो आदमी के रूप में प्रस्तुत कर देगी कि वो पानी भर के ला रहा है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अब अन्य उदाहरण देखते हैं, यौवन में माती मटर बेली अलियों से आँख लड़ाती है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जो मटर बेल है वो आँख लड़ा रही है, सखियों से आँख लड़ा रही है। तो मटर की बेल तो कैसे किसी से आँख लड़ा सकती है, उसके आँकन थोड़ी ना होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी बात की गई है, तो यहाँ पे उसकी मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है तो ये बात हमें मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।